मौला अली ने अर्ज़ की थी कमली वाले आती जो मेरी अख लग गई ख्वाब अंदर जन्नत दी सैर पे करना मैं देखिया जन्नत दे अंदर एक महल मैं पूछया फरिश्तियों महल किदा है फरिश्तिया ने आखिया मौला अली ओदा महल जरा पहले सलाम करदा है। अर्ज़ की थी कमली वाले आओ हुन सलाम अबू बकर करे जवाब मैं दिया करांगा क्योंकि ए मेरा यार है मेरा दिल कर दे ओ महल मेरे यार सिद्दीक दा अल्लाह दे नबी हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम जदों जेल दे अंदर कैद कीते गए ना ते आप दे सारे कैदी मुरीद बन गए हुस्न ये जदा सी अब देख रहे हो ना हुस्न सदात दा हुस्न अल्लाह दे नबी हज़रत यूसुफ इतने सोहने सन। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तफसीर सूरह यूसुफ च फरमांदे ने एक माई वडेरी मिस्र दी वेख के कहंदी है तू आप बनिया कि तैनू किसे बनाया है ते आप फरमांदे ने माई तू ता यूसुफ वेखे कदे बनाउन वाला वेखे लखां यूसुफ भुल जावे एडा सोहना यूसुफ ते आशिक किन्ने एक ज़ुलैखा सरवा कमली वाले तेरे हुस्न तो सदके जाइए जिन्ना वेख्या वो भी दीवाने ते जिन्ना नहीं वेख्या वो भी यूसुफ अलैहि सलाम दा हुस्न वेख के सारे कैदी मुरीद हो गए। दो कैदी हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम दे मुरीद ना बने वो आप दे नाल हसद कर दे हसद बुरी बला है इंसान अपने अंदर हसद दी अग जला लैंदा ते आप ही जलदा रहिंदा जिदे कोल हसद करदा नूं खबर भी नहीं होंदी ते हासे दा इक्को ही इलाज है अपने मुकाम ते मरतबे नूं होर बुलंद करो ओ होर सड़े अपनी खूबियां नूं होर उजागर करो। अल्लाह दे नबी हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम नूं दोनों मनदे नहीं एक वक्त दे बादशाह दा बवरची ते एक साकी। अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम नूं ख्वाबां दी तबीर दा इल्म अता कीता ए दोनों एक दिन आ गए ते सारे कैदियां नूं बिठा के कहन लगे यूसुफ असां भी ख्वाब देख के आया ते जरा तबीर ते सुनाओ फरमाया ख्वाब सुनाओ एक कहन लगा कि मैं ख्वाब विच देखिया है कि मैं बादशाह नूं शराब पिला रहा आपने फरमाया तेरे ख्वाब दी तबीर है कि तू अपनी नौकरी ते वापस जावेगा ते बावरची कहन लगा मैं ख्वाब विच देखिया कि मैं रोटियां दा टोकरा उठा के लैके जा रहा ते परिंदे उहदे चों रोटियां खा रहे फरमाया तेरे ख्वाब दी तबीर है कि तैनूं सज़ाए मौत तो होगी तू सूली चढ़ जाएगा फांसी की सजा होगी। दोनों कहती एक दूसरे दे हाथा मार के हंस पे कह लगे कोई तबीर दसी जाना ऐसा ख्वाब वेखे कोई नहीं। अल्लाह दे नबी यूसुफ दे लबां चो निकल गया आपने फरमाया तुसा ख्वाब वेखे ने या नहीं वेखे होवेगा ओवें जिवें मेरे लबां चो निकल गया मेरे लबा चो निकल गया हुन हो के रवे बावरची सूली चढ़ गया साकी बच गया उस साकी जदों जेल चो निकलन लगा ते जांदा जांदा हज़रत यूसुफ दी ज़ियारत करन आया ते हाथ जोड़ के कहन लगा मेरे लायक हुक्म होवे बचा लिया जे आपने फरमाया इंज करी जदों बादशाह नूं कदे शराब पिलांदा होवे ते कदे मेरी याद आवे ना ते बादशाह नूं कवी 7 साल गुजर गए तेरी जेल च एक यूसुफ नाम दा कैदी नौजवान है ओनू छोड़ दे उन्हें कोई गुनाह नहीं कीता। अल्लाह दी कुदरत ते गैरत तो बर्दाश्त ना आया रब ने फरमाया नबी मेरा ते सिफारिशां एदियां अल्लाह ने साकी दे देन जो गल ही बुला दी 5 साल उन्हें याद ही ना आई 7 साल पहले ते 5 बाद 12 साल गुजर गए 12 साल बाद वक्त दे बादशाह ने एक ख्वाब देखा ते नजूमियां नु तबीर ना आवे ते साकी नु यूसुफ याद आ गए कहन लगा बादशाह तू ते ख्वाब वेख्या ते तबीर नहीं ना आ रही तेरी जेल च कहदी है ख्वाब ना भी वेख्या होवे तबीर दसे पूरी हो जांदी है। बादशाह कहने लगा दौड़ के जाते उन्होंने बुला के लिया साकी आया जेल दे अंदर उन्हें जड़ा जुमला बोलिया उस जुमले वास्ते मैं वाक्य सुनाया है पढ़ा कुरान उन्हें की आख्या बेमुर्शदा चुप रवे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह हाथ जाके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद अज फरमाया साकी जड़े पहले जेल दे अंदर आया यूसुफ अलैहि सलाम के करीब आके कहने लगा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक यूसुफ अय्युहा सिद्दीक कह लगा यू तो तू सिद्दीक है तू तो सिद्दीक है पता चल गया सिद्दीक ओनू कहते हैं जिदे लबा चो निकल जाए। मियां मुहम्मद बख्श ने दफ्तर जमेंज फरमाया, आप फरमाते हैं सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहने जुबानों मौला पाक मनेदायो हो ये पक्की खबरें आसानो। उच्चा बोलो, पता चलिया सिद्दीक ओनू कहंदे ने जिदे लबां चो जोन निकल जाए। आमा मिठे जी हदीस पाक की रिवायत अर्ज करा। मुफ्ती अहमद यार खनेमी गुजराती रहमतुल्लाह हजरत दो जगह हदीस लिखी, तफसीर नईम में भी और मिशकात शरीफ की शरह में। आप फरमाते हैं मैदान उहद एक सहाबी शहीद हो गए, उनका नाम है हजरत मालिक बिन सिनान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी के वालिद। शाम ने जब सहाबा मैदान उहद चो मदीने वाल आए तो मदीने के बाहर एक छोटी जी बच्ची खड़ी। जेड़ा सहाबी आवे ना ते बच्ची ओने पूछे मेरे तियां नूं पिओ ते मां नहीं वखरे जे हुंदे, इन्हां नूं अपने बाबल दीयां उडीखां वखरियां हुंदियां। माफल ते आयो ना घर जाओगे तो वेखो दियां जागदियां होण लगदियां। ओ बच्ची हजरत मालिक बिन सिनान दी बेटी, ओनू नहीं पता अबू शहीद हो गए, अबू जंग करन गए ते बच्ची लोकां नूं पुछदी मेरे अबू क्यों नहीं आए। अचानक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी सवारी आई ते बच्ची सवारी दी मुहरम पकड़ के टुडी टुडी मदीने दी गली तक आ गई ते आके पुछदी उमर फारूक जी मेरे बाबा किथे ने। आपने पता सी अबू शहीद हो गए, बच्ची का दिल ना तोड़िया, शफकत का हाथ रखे ना सिर ते, फरमान लगे बेटी मेरे पीछे हजरत उस्मान गनी पे आउंदे ने, उन्हां कोल पुछ लमी बाबा। बच्ची फिर आके मदीना तैयबा दे बाहर खड़ी हो गई, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा इंतजार करदी रही। आप दी सवारी आई ना ते बच्ची फिर मुहर्रम पकड़ के नाल नाल टुरदी मदीने दी गली तक आ गई ते आके पुछदी उस्मान गनी जी मेरे अबू किथे ने। आपने पता सी बाबा शहीद हो गए, बच्ची का दिल ना तोड़िया, शफकत का हाथ रख के फरमा बेटी मेरे पीछे हजरत मौला अली और मुर्तजा शेरे खुदा हैदर करान मुश्किल कुशा पे आ गए। उन्हां कोल पुछ लमी बाबा किथे। बच्ची फिर आके मदीने दे बाहर खड़ी हो गई, हजरत सरकार मौला अली दी सवारी आई ना पुछदी है मुश्किल कुशा मेरे बाबा किथे ने। आपने पता सी अबू शहीद हो गए, दिल ना तोड़िया, बच्ची दे सिर ते शफकत दा हाथ रख के फरमा बेटी मेरे पीछे अबू बकर सिद्दीक पे आउंदे ने। उन्होंने पूछ लमी बाबा किथे, बच्ची फिर आके मदीने दे बाहर खड़ी हो गई, हजरत ताजदार सादात दी सवारी आई ना ते बच्ची सवारी दी मुहरम पकड़ के टुरदी टुरदी नाल आ गई। बच्ची कहने लगी अबू बकर जी मेरे बाबा किथे। आपनू नहीं सी पता इहदे बाबा शहीद हो गए ने। बच्ची दे सिर ते हाथ रख के फरमान लगे बेटी रोवी ना, तेरे बाबा मेरे पीछे पे आउंदे ने। इधर सिद्दीक दे लबां चों निकल गया, उधर इजराइल रूह लेके जा रहे। अल्लाह ने फरमाया इजराइल रूह वापस ले जा। अर्ज की अल्लाह तेरा कानून बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया सादा कानून बदलता बदल जाए, यार दा यार झूठा नहीं बना चाहिए। पता चलिया सिद्दीक ओनू कहंदे ने जिहदे लबां चों जोन निकल जाए। सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहन जुबान। ए बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। पाप पतंदा दूल्हा चिश्तियां दा इमाम फरदुल फरीद फरदुल अफराद फरदे वाहिद हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंज शक्कर ज़ुहदुल अबिया। आप खड़े थे एक ताजर ना शक्कर दियां बोरियां भर के मंडी च बेचण वास्ते पे जावे, बाबा जी नु शक्कर दी खुशबू आई, इन्नी शक्कर पसंद है बाबे नु, अज भी इन्नियां सदियां बाद भी बाबे नु को मिल जावे, बाबा नु शक्कर दा लंगर दे के भेजदा है ना। शक्कर दी खुशबू आई थे बाबा जी उस ताजर नु फरमाते ने ए बोरियां च की उन्होंने ख्याल आया मैं मंडी चो लेट हो गया, जे मैं दस्या शक्कर है ते बाबा जी कहना खोल के खिलाओ ते मैं लेट हो जाना। ओ कहने लगा बाबा जी नमक है, ते बाबा फरीद फरमाते ने नमक ही होगा। उन्हें मंडी जाके जदों बोरियां खोलियां सारा ही नमक, ख्याल है ते लखां दा नुकसान हो गया। दौड़िया पाक पता ना के बाबा फरीद कदम पड़ के कहंदा माफ करिया जो मैनूं गलती लगी और नमक नहीं जी शक्कर सी। ते बाबा फरीद फरमांदे ने चलो जी शक्कर ही होवेगी। उन्हें जाके मंडी च खोलिया सारियां बोरियां शक्कर दियां भरियां। खाजा बैरम खान नूं पता लगे ते कहंदे ने बड़ा ही अजीब बाबा है, शक्कर दा नमक बनाई जांदा है, नमक दी शक्कर बनाई जांदा है। सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहन जुबानों आसान या कुलिया उदी कुदरत दे कानून दा ओ फरमांदा है जो मैं कहना ओ तू करी जा, फिर जो तू कमेगा ओ मैं करी जा। कुलिया सौखी जो मैं कहना तू करी जा, जो तू आखेगा मैं करी जा। जवानी च भी नबी दे अच्छा ओ बोले जड़ा नाल बचपन च भी नबी दे हाथ चुक के बोले जवानी च भी नबी दे बड़े पे च भी नबी दे मक्के च भी नबी दे मदीने च भी नबी दे गली च भी नबी दे बाजार च भी नबी दे गार च भी नबी दे मजार च भी नबी दे। इंज ना कह लबा के उंज मुहम्मद दा साया कोई नहीं, पर जेड़ा सारी जिंदगी मुस्तफा दा साया बन के नाल रहा ओनू अबू बकर सिद्दीक कहंदे। जेड़ा सारी जिंदगी मुस्तफा दे नाल वल्लदीन माअहू ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੜ ਸਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਤਾਬੁਲ ਫਿਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਆਇਆ नबी करीम को बैठ के ना गल्ला बात कीती ते जदों टुरन लगा ना ते नबी करीम अलैहि सलाम ने वेख्या ओदे कोल एक ऊंट दा बच्चा है। हजूर ने फरमाया बेचना ही थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए, हाथ ना चुके मत किधर को शहीद ना हो जाए, थोड़ा लंगर घरों भी खा क्या करो, नाल दे दा हाथ भी चुकना पै जाता अपना ते नाल दे दा हाथ चाह के उच्चा जा बोलो सुभान अल्लाह। मुबशर अली भट्टी साहब तशरीफ ले आए, अली बा साहब भी आए माशाल्लाह चंद्राए अल्लाह करीम उन्हें कबूल फरमाए। 18 मार्च नूं इन्हां दी कुल पाकिस्तान महफिल मिलाद शरीफ हो रही। 15 उम्रे दे टिकट 5 मोटरसाइकिल 10 गिलाफे काबा तो इस तो इलावा भी बड़ा कुछ। चंद्राए लाहौर इंशाअल्लाह 18 मार्च बड़ी अजीमो शान महफिल मिलाद होगी। आओगे ना मैं भी उत्थे आना तुसीं आओगे इंशाअल्लाह। हां माशाअल्लाह पेंडू आया ते उठ के चलिया ते नबी करीम ने वेख्या ओदे कोल एक ऊंट दा बच्चा। नबी करीम अलैहि सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया बेचना ही। उन्होंने आख्या जी हुजूर ले लो। हुजूर ने फरमाया कितने पैसे? ओ कीमत तय हुई। नबी पाक ने फरमाया ऊंट छोड़ जाओ ते पैसे कल आके ले जाओ। बाहर निकलिया तो सामने मौला कायनात सदर बज़्म विलायत असदुल्लाह अल गालिब हजरत गालिब अला गालिब हजरत मौला अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला तशरीफ ले आए। आप मिल मिला के ना तो पेंडू नो सहाबी रसूल फरमान लगे ठीक हो जी मैं ठीक हाँ। ते किधर आए सो आख्या नबी पाक दी ज़ियारत करन आया सा ते चले आ जी ते मैं कल फिर आना। मौला अली ने फरमाया तेरा ते पिंड बड़ी दूर है ते कल फिर क्यों एडी दूर दा सफर करके? उन्हें आख्या जो ऊंट रख लिया ने ना ते सरकार फरमांदे ने पैसे आके कल ले जाया। मौला अली उदों पकड़ के ना तो मदीने दी गली दे थड़े ते लाके बैठ के मौला अली फरमांदे ने है तो मेरा यार है पर तू बड़ा ना पेंडू यार तू साथ ही उन्हें आख्या जी की होया, फरमाया तू जो कल इतना सफर करके आना है ते जे कल नबी पाक इत्थे ना होए मुलाकात ना हुई या नबी पाक दुनिया तो पर्दा फरमा गए तेरे पैसे दा की बनेगा। पिंडू दे गल दिल नूं लगी, कहण लगा की करा, फरमाया फिर जा पूछ के आके मेरे पैसे दा की बनेगा। पिंडू आके ना ते मस्जिद नबी दी चौकट पकड़ के कहण लगी या रसूल अल्लाह आज कल मैं आना ते जे तुसी ना मिले ते मेरे पैसे ते मर गए। नबी पाक दे कोल हज़रत सिद्दीक अकबर बैठे, आपने कंधे ते हाथ रख के फरमाया तू कल आवी मैं ना मिला ते मेरे यार सिद्दीक को ले जावे। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। ओ पिंड बड़ा खुश होके गया ते जाके मौला अली बार बैठे, जाके करीब बैठ के कहने लगा लो जी गल पक्की होगी, नबी पाक ने तसल्ली करा देती है। हुजूर फरमाते ने कल मैं ना मिला ते मेरे अबू बकर सिद्दीक को ले जाई। मौला अली फरमाते ने तू भी ना। उन्हें कहा जी हुन की, फरमाया फिर जा। पूछ गया यार रसूल अल्लाह जे कल अबू बकर भी ना मिले। वो फिर आ गया, फिर आ गया। किताबुल फितन ने लिखा कि उन्हें आके मस्जिद नबी दी चौकट पकड़ के कहने लगे यार रसूल अल्लाह जे मैं कल आया ते अबू बकर भी ना मिले। मेरे नबी ने हज़रत उमर फारूक दे कंधे ते हाथ रख के फरमाया फिर मेरे उमर को ले जावे। वो बड़ा राजी राजी तुलिया मौला अली को जाके बैठ के कहने लगा जो हुन ते गल बिल्कुल पक्की हो। नबी करीम ने फरमाया कल अबू बकर ना मिले तो मेरे उमर को ले जाए। मौला अली फरमाते ने तू भी ना। सादा ही उन्हें आखिया जी हुन की होया, फरमाया फिर जा। पूछ के आज कल उमर भी ना मिलो। फिर आ गया, फिर चौकट पकड़ के कहने लगा या रसूल अल्लाह आज कल बड़ी दूरों आना है ते कल जे उमर भी ना मिले। मुस्कुरा के सैयद आलम ने फरमाया जो उमर ना मिला तो मेरे उस्मान को ले जावे। और टुरिया ओ समझदा हो रे गल मेरे पैसे दी चल रही, पर ओ भी अली सी। उस अली ने उम्मत दा ओ फितना ही मुका दिता। अली ने दसना सी कि मैं उम्मत नूं पहले ही दस जावां पहला खलीफा केड़ा है, दूजा केड़ा है, तीजा केड़ा है ते चौथा। पिंडू आके मौला अली को बैठ गया कहने लगा जी हुन ते गल बिल्कुल पक्की। नबी पाक ने फरमाया जे कल उमर ना मिले तो मेरे उस्मान को ले जाए। मौला अली फरमांदे तू भी। उन्हें आख्या जी हुन की, फरमाया फिर जा। पूछ के आई या रसूल अल्लाह जे कल उस्मान भी ना मिले। किताबुल फितन च हदीस है। पिंडू आके मस्जिद नबी दी चौकट पकड़ के कहने लगा कमली वालियो जे कल उस्मान भी ना मिले वाली ने पर मैं कल आई मैं देवांगा। मैं ना मिले मेरे अबू बकर को ले जाई, अबू बकर ना मिले उमर को ले जाई, उमर ना मिले उस्मान को ले जाई, ये उस्मान भी ना मिले फिर ओदे को ले जाई जेड़ा बाहर बैके तेनों ही अंदर भेजी जाए। वाह 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 वाह। बेशक बेशक शक शक या माशाल्लाह माशाल्लाह। हुन बोलो सुभान अल्लाह। आवेख मेरे नबी ने ते अली ने कैसी वंड की थी। उम्मत रौले दुआ मुका पहला खलीफा केड़ा, दूसरा केड़ा, तीसरा केड़ा ते चौथा केड़ा। आ जेड़ा नारा लगांदे ना कि दमादम मस्त कलंदर ते अली दा पहला ही नंबर। मैनू सच्ची दस तेनू बहुता पता है कि नबी नू बहुता पता है। पहला नंबर ते कमली वाले ने तुदे रब ने अबू बकर सिद्दीक नू अता किया। उम्मत विच इंतशार पैदा कर दिता गया ते नौजवान तबके दे सीने च एक गल पा दी गई। आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन देके ते दस्या गया कि अगर मौला अली नू आख्या जावे ना कि चौथे खलीफा ने या इन्हां दा नंबर चौथा है ते ए मौला अली दी तौहीन है। नहीं नहीं मैनू सच्ची दसो जे बाद विच आया अजमतां घट जांदियां ते मेरा नबी ते सारे नबियां तो बाद आया। भाई जे बाद आया अजमतां घट दियां ते कमली वाले ते सारे नबियां तो बाद आए। आप ही तो तकसीमा कर दी थी और दर वाले सा ते घर वाले सन ते परौने पहले खांदे ने घर वाले बाद विच खा दे नाले मेरे नबी ने तकसीम करके दी। याद रखियो उम्मत दा 1500 साल दा मुतफिका फैसला है कि अफजलुल खल्क बादल अंबिया नबियां तो बाद दा पहला नंबर है वो अबू बकर सिद्दीक। हुन भी बोलो सुभान अल्लाह। याद रखिएगा अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ते मौला अली दा पता कितना प्यार से ए रौले लोगां बाद विच पाए ने गली मदीने दी उधरों मौला अली आले ते इधर हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला जा रहे दोवां यारां दी जदों होई ना मुलाकात। अच्छा ये भी अर्ज कर देवां कि सहाबा दे ते मुलाकात ना कोई साडे वर्गी नहीं सी होंदी। दो सहाबा आपस विच मिलने ना ते उन्हें एक ने कहना अस्सलामु अलैकुम दूसरे कहना वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह ते दुआ इकट्ठे चुनना अज में दरमियान च कैमरा ना इथे कोई दरख्त या कोई पिलर आना ना कोई सतून आना ते एक सहाबी ने उस दरख्त दे इधर गुजरना ते एक ने इधर गुजरना दोबारा मुलाकात होनी ते फिर कहना अस्सलामु अलैकुम। वो इतना एक दूसरे को सलाम करते सन वैदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहिय्यु बिअहसन मिनहा रद्दुहा। अल्लाह फरमांदा सलाम दा जवाब सोना करके दियो नहीं सोना करके दे सकदे ते उतना ते दियो जितना उन्हें आखे। अस्सलामु अलैकुम कवे ते व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह कबो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कवे ते व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कबो। खूबसूरत जवाब। सहाबा इतना सलाम करते सन इतना सलाम करते सन इतना सलाम करते सन एक दूसरे बार 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 पर मौला अली ते हज़रत सिद्दीक अकबर जदों मिलना ना ते मौला अली ने दूर ही कह देना अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सिद्दीक अकबर कहना वालेकुम अस्सलाम। सहाबा दा मौल सी एक ने कहना अस्सलाम वालेकुम दूसरे कहना वालेकुम सलाम। दूसरी मरतबा मुलाकात होनी ना दिन विच तो जिन्हें सुबह सलाम किया सी उन्हें चुप रहना ते जिन्हें सुबह सलाम दा जवाब देता सी उन्हें कहना अस्सलाम वालेकुम ते जवाब दे के कहना हुजूर तुस सुबह सलाम फरमाया हुन क्यों नहीं फरमाया। फरमाया सुबह मैं सलाम किया सी मैनू 20 नेकियां मिलियां तू जवाब देता तेनू 10 मिलियां हुन तू सलाम कह मैं जवाब देवां 30 तेरियां 30 मेरियां। आ सी सहाबा दे अंदर प्यार जेड़ा रब दे कुरान ने फरमाया कि आपस में बड़े रहम दिल ने रुहमा बैनहुम दा मंजर ऐसी। पर मौला अली दूरी कह देना अस्सलाम वालेकुम हज़रत सिद्दीक अकबर कहना वालेकुम सलाम। एक दिन दोनों यारां दी मुलाकात हुई ते मौला अली भी चुप ते सिद्दीक भी चुप। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला इंतजार फरमा रहे कि मौला अली सलाम कहते मैं जवाब देवां रोज फरमा देने पर अली चुप। हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया अस्सलाम वालेकुम। मौला अली आखा जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नबी करीम को लाके हज़रत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह अली खबरे मेरे नाल नाराज है। फरमाया क्यों। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह रोज सलाम फरमा दे आज नहीं फरमाया। मेरे करीम ने फरमाया बुलाओ ना जरा अली। मौला अली आ गए। अच्छा ये भी याद रखियो वो जदों को थोड़ी गर्मा गर्मी किसी दी हो ही जांदी सी ना अगर वो सारियां शिकायतां नबी पाक को लेके आंदे सी। एक दिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने हज़रत बिलाल हबशी ना गर्मा गर्मी हो गई तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते ने चुप करो कालिया चुप करो कालिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी ग़िफ़ार कबीले दे चौधरी बिलाल आजाद करदा गुलाम। चौधरी ने आख्या चुप करो कालिया ते बिलाल उठ के खड़े हो गए तो रो के फरमान लगे मैं दसना ना नबी पाक ने। हुन बिलाल नबी दा लाडला आके ते अर्ज कीती या रसूल अल्लाह हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अज मैनू काला आखे। सरकार दे तेवर बदल गए। मेरे नबी ने फरमाया बुलाओ ज़रा अबू ज़र ग़िफ़ारी नू आए ना। ओ अजे मस्जिद दे नबी दे दरवाजे च पहुंचे ते नबी पाक बड़े जलाल च फरमान लगे अबू ज़र तेरे विचों अजे दौरे जहलीयत दीयां आकड़ां नहीं गईयां। बस बस इतना ही फरमा अबू ज़र ग़िफ़ारी पौनी पौनी उत्थे ही हाथ जोड़ के रो के अर्ज की कमली वाल है तू तो तेरा रब मैनू इत्थे ही माफ कर ते बिलाल मैं आपे राजी कर लेना। टुरे टुरे ओ मस्जिद नबी दे सामने चौक ते चौक च जाके हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जमीन ते लेट गए। सारे मदीने वाले देख रहे हज़रत बिलाल भी सामने। अबू ज़र ग़िफ़ारी हज़रत बिलाल नू आवाज़ दे के कहंदे ने बिलाल आमी यार जरा अपना पैर मेरे चेहरे दे उत्ते रख मेरी आकड़ टुट जावे। बिलाल हबशी दौड़ के आके अबू ज़र ग़िफ़ारी नू पकड़े चुक के सीने लाके इत्थे बोसा दिता ते बोसा दे के फरमांदे ने चेहरा मैं जमीन ते रुलन देना जेड़ा मेरे माही नू बड़ा सोहना लगदा। आसान रोहा माऊ गई ना आसान मोहब्बत उन्हां दी। आज सिद्दीक अकबर आके अर्ज की या रसूल अल्लाह खबर अली नाराज है। फरमाया अली ने बोला अली आ गए। मौला अली वाल बेच मेरे आका ने फरमाया तो सिद्दीक ना नाराज है। हुन जेड़ा सुन्नी मां दा पुत्र है ना आ जेड़ा मैं जुमला बोलन लगा सुन के सुभान अल्लाह भी कहेगा तो कलेजा बिठार जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अली तू सिद्दीक ना नाराज है ते मौला अली एक बारी सिद्दीक वास्ते एक बारी नबी वाल बेच के कहंदे ने कमली वाला मेरा यार है। ओ बोले जेड़ा नबी दा यारां दा यार है। याद रखे इश्क दा कानून है यार दा यार होंदा है जेड़ा नबी दे यारां दा यार है। ओ बोले सुभान अल्लाह। मौला अली ने किया क्या कमली वाले अबू बकर मेरा बोलो मेरा यार है। हजूर ने फरमाया फिर अज शिकायत आ गई। सिद्दीक फरमाते ने तुसी रोज सलाम कहंदे हो अज क्यों नहीं आख्या। मौला अली कहन लगे या रसूल अल्लाह यारी मेरी बड़ी है पर सलाम मैं नहीं कहना। सलाम सिद्दीक क्या करे जवाब मैं देना करना है। हजूर ने फरमाया कोई नाराजगी कोई रंजिश नहीं फरमाया वजह अर्ज की वजह सुना देना। मौला अली ने अर्ज की कमली वाले आधी राह मेरी अख लग गई। आप दे अंदर जन्नत दी सैर पे करना मैं देखिया जन्नत दे अंदर एक महल है। मैं पूछया फरिश्ते महल किदा है। फरिश्तिया ने आख्या मौला अली ओदा महल है जेड़ा पहले सलाम करदा है। अर्ज की कमली वाले आओ हुन सलाम अबू बकर करे जवाब मैं दिया करांगा क्योंकि ए मेरा यार है। मेरा दिल करदा है ओ महल मेरे यार सिद्दीक दा यार। सिद्दीक मुबारक होवे सिद्दीक अकबर फरमाते ने अली तुहानू मुबारक होवे। मौला अली फरमाते ने कादियां मुबारक आपने फरमाया मैं नबी करीम दी बारगाह झुटकी आ रहा हूं। सरकार फरमाते ने जाओ जाके अली नू मुबारक दियो कयामत नू जन्नत दियां टिकटां मेरा अली वंडेगा। मौला अली ने फरमाया खैर मुबारक पर अबू बकर तुहानू भी मुबारक होवे। फरमाया जन्नत दियां टिकटां तुसां वंडणियां हन मैनू कादियां मुबारकां पे देंदे हो। फरमाया तुहानू ते नबी ने फरमाया है जन्नत दियां टिकटां मेरा अली वंडेगा। मैनू नबी ने फरमाली याद रखी जन्नत दियां टिकटां तू वंडेगा उन्हां टिकटां ते मोहर सिद्दीक दी होवे। मोहर मेरे सिद्दीक दी होगी। मौला अली कहने लगे लै पर सोने सिद्दीक मेरे यारा जेड़ा क़यामत नो तेरा मुनकर आया मैं टिकट कोई नहीं देनी। सिद्दीक अकबर हंस के फरमान लगे सोने तेरा भी मुनकर आ लैंदे मोहर मैं भी कदों ला के देन लगा। जन्नत चोई जावेगा जेड़ा सिद्दीक दा भी नौकर है ते अली दा भी नौकर है। हां सा नबी दे यार ओ बोलो सुभान अल्लाह। तो गिरामी कदर हजरात सुननी जेड़ा शाह किबला सरकार जी में फरमा रहे सन कि शेखैन दी अफजलियत नु भी तस्लीम करे ते फजीलत नु भी तस्लीम करे और जेड़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खुलफाए राशिदीन नु और असि ते मुजद्ददियां मेरा ते ईमान ही होवे जेड़े हजरत सैयदना इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दद पाक रजी अल्लाह तआला दा ईमान है। आप फरमांदे ने जेड़ी खिलाफत दी तरतीब है ओही अजमत दी तरतीब है। जेड़ी खिलाफत दी तरतीब है ओ अज़मत दी तरतीब है। अबू बकर खलीफा पहले अज़मत भी पहले उमर फारूक खलीफा दूसरे अज़मत भी दूसरे उस्मान गनी खलीफा तीसरे अज़मत भी तीसरे मौला अली खलीफा चौथे अज़मत भी चौथे। और याद रखिएगा मेरे मिल्लत दे नौजवानों ये मैं या तुसा अकीदा नहीं बनाया असी अपने ज़हन दे मुताबिक अकीदता नहीं रख सकदे। जेड़े अकायद ने ओ साडे असलाफ ने सदियां पहले मुकर्रर फरमा देते असि अपने ज़हन दे मुताबिक अपनी अकीदता मुकर्रर नहीं कर सकदे। अकीदता कोई ने जेड़ियां अल्लाह के रसूल ने दस दितियां ने ते हद्दां मुकर्रर कर दितियां ने असि हद पार नहीं कर सकदे। ए गल हो गई सिद्दीक अकबर दी। अगर मैं इहदे ते अल्हम्दुलिल्लाह बहस करा बड़ा वक्त दरकार है मगर चूंकि वक्त ज्यादा हो गया आओ दी विलादत दा महीना आ गया ते विलादत अली बयान कर लिए थोड़ी हो गई वो भी मेरा पुत्र पढ़ देना। तवज्जो है सारे ओ बोले जेड़ा सिद्दीक दा भी नौकर है ते अली दा भी नौकर है। सुभान अल्लाह जी जी बेशक 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 वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। अबू बकर अबू बकर अली 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 सुभान अल्लाह। आज सुनिया दा प्योर अकीदा जेड़ा नबी दे मोढ़ियां ते बैठ जावे उस अली दे भी नौकर ने, जेड़े अबू बकर दे मोढ़ियां ते नबी बैठे ओदे भी नौकर। असी तो उस सब्जी नु भी कद्दू शरीफ कहने आ जेड़ी साडे माही नु पसंद आ जाए। असी ते हां ही निस्बत वाले, असी नबी दी हर निस्बत यद पे तेलाम करते हैं। असी नबी करीम दी अहले बैत नाल भी इस वास्ते प्यार करने और नबी दे अहले बैत ने, असी नबी दे सहाबा नाल भी इस वास्ते प्यार करना और नबी दे सहाबा ने, यानी जिदे नाल भी प्यार करने नबी दी वजह तो कर। अली ओ बे जेड़ा मां दे शिकम में चाहे ना ते नबी करीम ने चाची नु मिलन आना ते चाची जान ने मौला अली दी अमीने ना उठ के खड़े हो जाना। एक दिन हुजूर ने फरमाया उम्मी बाद उम्मी, तुसी मेरी मां दे बाद मेरी मां हो ते पुत्तरों ते मावां नहीं उठ के खलोंदियां, मावां ते पुत्तर उठ के खलोंदे ने। मौला अली दी अम्मी जान कहन लगी वे कमली वालिया मैं तेरे ना ही उठ के खड़ी हूं, पर सोने जेड़े वेले बेड़े ची आ जाना आ जेड़ा बच्चा मेरे शिकम दे अंदर है ए मेरे पेट जी अकड़ जांदा है ए मेनू बैठा नहीं देंदा। कहंदा अम्मा उठ के खड़ी हो जा, बेख नबियां दा इमाम चौथे चक्कर दीवारी। अच्छा कदे सोचा जे आजाद पार्क वाले बरकत टाउन अल्लाह होर बरकत बरकत टाउन वाले जदू कमली वाले काबे दा तवाफ करदे अच्छा ये जुमला तुहानू इंज लुत्फ नहीं आया ते इंज करने पहले आला हज़रत दा शेर ते फिर ये जुमला सुनो। आला हज़रत फरमाते ने हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अच्छा ओ काबा है ओ काबे दा काबा है ते कैसा मंजर होएगा जदों कमली वाले काबे दा तवाफ कर। मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ फरमाते ने असी हज करन गए ते पाकिस्तान दी एक वडेरी जी पेंडू जी माई साडे नाल चली गई। आ फरमाते ने जदों माई काबे दा तवाफ करे ना चक्कर लगा के आवे ते हजरे असवद दे सामने आवे ते माई इस्तेलाम करे ते नाले काबे वाल वेख के आके बख्श दे चंगा रह जाएगा। फिर चक्कर लगा के आवे ते हजरे असवद दे सामने इस तरह करके आखे बख्श दे चंगा रह जाएगा। फिर आवे ते आखे बख्श दे चंगा। आ फरमाते ने जदों हज कर लिया तमाम अरकान अदा कर ले ते अस आखे अम्मा रब दे विड़े च खलो के उनु धमकियां लगाई जानी है, एडी दूरों रब ने तेनु बुलाया ते ना बख्शे की कर लवेगी। ते माई रो पई ते रो के कहन लगी मैं की कर लेना ते मैं ते उंजी रब नु पई आखनी आ ए इथे ही बख्श दे चंगा रह जाएगा नहीं ते मैं मदीने टुर जाना है। सुभान अल्लाह। उत्थे ते वादा कीता इन्ना वल वन्नहुम यज़लमु अनफुसहुम जाऊ सोने जेड़े तेरे बूहे आ गए उन्होंने तो फिर सब बख्शना ही बख्शना जेड़े बूहे यार दे। अच्छा ओ काबे दा भी काबा ते जदों कमली वाले काबे दा तवाफ करदे होणगे। एक दो तीन चौथे चक्कर दी बारी आई ते नबी करीम ने तवाफ करदे करदे अचानक मुड़ के चाची वल वेख्या ते चाची दा चेहरा सुर्ख तकलीफ दे आसार में। औलाद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाची जी खैर है। अर्ज कर दिया ने वे कमली वाले आओ इंज लगदा जिवें बच्चे दी वलादत दा वेला आ गया। हुजूर ने फरमाया चाची जी जल्दी करो तवाफ पूरा करो। अर्ज कर दिया लगदा तवाफ पूरा नहीं किया जाना। फरमाया फिर घर लगिया जाओ। अर्ज कर दिया लगदा घर भी नहीं जाया जाना। अचानक काबे दी दीवार फट गई नाले आवाज आई अपने घर नहीं जा सकती आजा मेरे घर आ। मौला अली दी अम्मी काबे दे अंदर, अली दी विलादत काबे। मुफ्ती साहब की विलादत शरीफ फरमाने शरीयत मुस्तफा दा कायदा कुलिया कानून ते ज़ाबिता। ये मसला है औरत बच्चे नु जन्म देवे 40 दिन तक हालत निफास च ओ ना नमाज पढ़े ना रोजा रखे ना कुरान पढ़े ना कुरान मजीद नु हाथ लगावे ना तवाफ करे ना तवाफ काबा कर दे, काबे नु हाथ नहीं लगा सकदी। क्यों? औरत पाक नहीं। बच्चे नु जन्म देवे 40 दिन तक औरत पाक नहीं, हालत निफास। ओ यार औरत बच्चे नु जन्म दे के काबे नु हाथ नहीं लगा सकदी, ओ किन्ना को पाक होवेगा जेड़ा पैदा ही काबे दे विच पिया होंदा है, जेड़ा पैदा ही काबे च होवे। ग्रामीय कादर 3 दिन दे बाद अम्मी जदों घर ले आईयां ना, अच्छा ये तफसील मैं फिर कदे अर्ज करांगा। घर आईया ना तो मेरे आका नूं खबर मिली, अल्लाह ने बड़ा सोहना वीर अता कीता। मेरे आका नेमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ते फरमाया चाची जी लियाओ ना मेरा वीर मेरी गोदी च। अली दी अम्मी ने अली नूं नबी दी गोद च रखया ना ते छम छम अथरू जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ना, इंज मां जी रो रहीआं। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह पुत्र देवे लोग खुशियां मनांदे, मां जी रोंदे क्यों हो? अर्ज कीती वे कमली वाले राजी मैं भी बड़ी हां रोनी आज तेरे दिल खुदरा बच्चा दुनिया पे आया हो सोने आए अखा नहीं खोल दो ना रोनी और दिया अखा ही कोई नहीं। पर माया ले आओ चाची जी मैं चेक करा अली नबी दी गोद च आए, अली ने अख खोल के नबी दा चेहरा वेखिया। मेरे आका ने पर मैं चाची जान तुसी कहंदे हो अखा कोई नहीं, कदे मुहम्मद कोलों पुछो ते तो जग विच एवें दिया अखा ही कोई। अली ने अख खोली ते नबी दा मुख वेखी जावे। आयात पार्क वाले ते बरकत टाउन वाले असि लखा रुपया लगा के काबा वेखण जावे। उस अली दे ज़ौक़ इबादत तो सदके ना जावा जेड़ा पैदा काबे दे विच होया ते काबे नु नहीं वेखिया ही नहीं। असि लखा रुपया लगा के काबा वेखण जाने आ, ओने काबे नु वेखे नहीं, आखिया तेनु बाद विच वेखांगे पहले तेरा काबा ते वेख। बाबा बुलेशा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने पहली पौड़ी नहीं बोले, चलो फिर कदे पढ़ लवांगे। हाथ चुके बोलो मनु पता लगे तुसी जागे। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए ते जन्नत च एक दरख्त लगदा है। आज इन्नी सुभान अल्लाह बोल के जाओ घर जाओ तो पता लगे मैं तो जन्नत च पूरा बाग ही लगा के आया। हुणे जिदी मोटरसाइकिल निकलनी है ओदी खुशी वेख्या जी, ओनू रात नींद नहीं आउणी ते जिदा जन्नत च बाग लग जाए। उच्चा बोलो ते बाग लगा के जाओ, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बाबा बुलेशा कसूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पुल सिराते तेरा लोकी हज मक्के नू जांदे ते मैं मुख वेखां तेरा अज मक्के नो जांदे मैं मुख वेखा तेरा। मियां साहब फरमांदे ने दर मुर्शद दा ही खाना काबा। अली ने काबा नहीं वेख्या, आख्या मैं पहले काबे वाला रसूल ते वेख लवां, क्योंकि उथे एक हज हुंदा इथे लख करोड़ां हजां। बस मेरे नबी ने फिर गुड़ती दी ना ते फरमाया चाची जी गुड़ती, आख्या सोने तेरे बाद कौन देवे? मेरे नबी ने अपनी जुबान मौला अली दे मुंह ते दहाने च रखी ना ते अली जुबान मुस्तफा दे चूसे ले रहे। एक दिन नबी पाक खजूर खा के गुठली सटी गिटक, एक बच्चा बैठा, बच्चे दौड़ के जाके गुठली उठाई मुंह च डाली तो चूस रही। ओही बच्चा एक दिन नबी पाक तहज्जुद दी नमाज पढ़े, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते ने तहज्जुद दी नमाज पढ़े ते बच्चा भी आ गया, ए पीछे खलो के ना ते ओने भी नबी पाक ने नमाज पढ़ते उस बच्चे पकड़ के ना बराबर किया, बच्चा फिर पीछे, हुजूर फिर बराबर किया, फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे। नमाज पढ़ के नबी पाक ने फरमाया बेटा मैं तेनों बराबर खड़ा करता सा, होंदा क्यों नहीं सा? वो बच्चे जो जवाब देता ना अज की पूरी महफल का निचोड़ जुमला है। मेरे आका फरमाया बच्चा तू मेरे बराबर क्यों नहीं सा खड़ा होंदा? तो बच्चा निके निके हाथ जोड़ के कहता कमली वाले मैं तुहाडे बराबर किवें खलोवां? अम्मी तो कहते हैं मेराज की रात तुहाडे बराबर कोई रब दा नबी भी खड़ा नहीं। क्या अकीदा मावा देता से जिन्ना नहीं वेखिया करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया उसे बोलदा ही नहीं। अन डिठिया कहंदे ने साडे वर्गा, जिन्ना वेखिया कहंदे तेरे जाते मां ने दूजा जम्मिया। चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं हो बोलदी। कोई बच्चा जिन्हें खजूर की गुठली चूसी, नबी पाक नूं अदा पसंद आई। हाथ चुके मेरे नबी ने अर्ज की अल्लाहुम्मा फक़्हिहु फ़िद्दीन, अर्ज की यार इस बच्चे नूं दीन दी समझ अता फरमा। ये बच्चा ओही बच्चा जिहड़ा बड़ा होके ना कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर बनिया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने इबरुल उम्मा, इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम, कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर। वो जदों तफसीर लिखदा है ते मौला अली फरमाते ने इंज लगदा है जिवें बारीक पर्दे पिछे छुप के खुदा दे राज पिया वेखदा है। तर्जमान उल कुरान जिहड़ा उमर चते छोटा है और उद कुल हज़रत उमर फारूक मसला पूछन आंदे ने, ओदा नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। नबी पाक दे चाचा हज़रत अब्बास दा पुत्र हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों सच्ची दस्यो, ओ जेड़ा नबी दी खजूर दी गुठली चूस लवे ओ ते उम्मत दा बड़ा आलिम बने, ते जेड़ा चूसे ही नबी दी जुबान, ओ जेड़ा अली चूसे ही नबी दी जुबान एवें नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, फरमाया मैं इल्म दा शहर ते अली दरवाजे। आखिरी गल सुनो किवें दरवाजे ते मैं दस इजाजत चाहवा। मौला अली कूफे दी गली च जा रहे, एक बंदा आवाज दे के कहंदा अली जरा रुक, मेरे सवाल दा जवाब दे। रुक गए, कहन लगा अली सुनिया तू सोचिया बगैर ही जवाब दे देना, जेड़ा तैनू सवाल करिए तू सोचदा क्यों नहीं? जवाब भी कोई एवें दे होंदे सन ना। मौला अली कूफे दी जामे मस्जिद च असर दी नमाज पढ़न जा रहे, एक कदम मुबारक एक सीढ़ियां ते एक यहूदी आवाज दे के कहन लगा अली इत्थे रुक, मेरे सवाल दा जवाब दे। आप उत्थे ही रुक गए, कहन लगा अली दस केड़े जानवर अंडे देंदे ने ते केड़े जानवर बच्चे देंदे ने? यहूदी दा ख्याल ऐ सी कि जे अली अज जानवर गिन गिन के दसेगा ते अज नमाज रह जाएगी, ते नमाज अली कदे छड्डी नहीं ते मलंग ने कदे पढ़ी। पर अली ने कदे छड़ी नहीं, जेड़ा बेनमाजी अली दा लगदा ही की। सच्ची दस जिन्हों वेखना इबादत है, अली किन्नी कोई इबादत करदा होवे? नज़र इला वजह अली ने इबादत, उन्हें आख्या कि अली ने नमाज तो छड़नी नहीं, तो जे अली अज जानवर गिनेगा तो नमाज रह जाएगी, तो जे आखेगा मैं नमाज पढ़ के जवाब देवांगा तो मैं कहांगा अली सोच सोच के जवाब देंदा, ते अली सोच के जवाब देंदा ही नहीं। आज मैं अली नूं फसा लिया, ओ भी अली। मौला अली ने फरमाया सुन, जेड़े जानवरां दे कन अंदर होंदे ने ओ अंडे देंदे ने, जिन्हां दे कन बाहर होंदे ने ओ बच्चे देंदे ने, तो गिनती कर मैं नमाज पढ़ के आया। मौला अली नमाज पढ़ के बाहर आए तो यहूदी मस्जिद दी सीढ़ियां ते बैठ के जानवर पे गिने, ओ अली नूं गिनती च पाण आया। अली ओनू गिनती चुका देता। मैं किताबा पढ़िया कि एक बहुत बड़े यहूदियों के आलिम को इस बात की खबर गई थी, उन्हें आख्या जिन्हें ये खबर दी है या तो जानवर उन्हें आप बनाए ने तो या बन दे वेखे, या आप बनाए थे या बन दे। नौजवानों कहने लगा अली दस तू सोच के जवाब क्यों नहीं देंदा? मौला अली ने फरमाया दस तेरे हाथ दी उंगलियां कितनी होने? ओ कहन लगा पांच उंगलियां ने। मौला अली ने फरमाया तू क्यों नहीं सोच के जवाब दिता? कहन लगा सोचन दी लोड़ ही कोई नहीं, हर वेले हाथ सामने रहंदा है, मैनू पता उंगलियां पांच हुंदियां ने। फरमाया मैं भी क्यों सोच के जवाब देवां जिवें हाथ तेरे सामने रहंदा है, कायनात अली दे सामने रहंदी। कायनात अली दे सामने रहंदी है। कहन लगा मन लगिया तू राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो इंज नहीं। भाई अली दा नारा हाथ चुके लगाओ, जिधर भी देखो, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। कबा मदीने की हर गली है, किधर भी देखो अली अली है। और मैं आखिरी जुमला वर्द कर दे, मेरे बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ फरमाते सन, आप फरमाते सन, अथी चूरा शरीफ दे सैयद पुत्र अली दे आं के मुरीद अबू बकर सिद्दीक दे आं।